एवरीवन, तो यहाँ पे मैं ठेकुआ के रेसिपी लाई हूँ। तो ये चीनी वाला बिल्कुल अलग तरीके से ठेकुआ है, तो आप लोग इसे बनाएं और खाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी ठेकुआ बनके रेडी है। तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलते हैं, इसे कैसे बनाते हैं तो आप लोग के साथ मैं बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर लेना है गेहूँ का आटा, आप लोग मैदा से भी बना सकते हैं, और मैं गेहूँ के आटा से बना रही हूँ। इसमें डालना है स्वाद के लिए इलायची पाउडर, और यहाँ पे मैं नारियल पाउडर भी आप लोग डाल सकते हैं, पर मैं नारियल घिस के डाली हूँ। और यहाँ पे चीनी की तीन तरह से बनती है, मैं वीडियो पहले भी डाली हूँ। तो चीनी मैं खड़ा डाली थी, यहाँ पे मैं चीनी पीस के डाली हूँ, चीनी का पाउडर बनाई हूँ। और यहाँ पे क्रिस्पी बनाने के लिए और खस्ता बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ रिफाइन, आप लोग घी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करना है गाइस, मेन यही है कि इसे अच्छे से मिक्स करें, जो कि सब में अच्छे से मिक्स हो जाए, और दोनों हाथ से मिला लेना है। तो यहाँ पे मैं मिला ली हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोम इतना देना है थोड़ा सा कि इसे खस्ता बने। तो मुट्ठी बांध के आप लोग को दिखाए हैं, और इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल के गुनगुना, और इसे सानना है, और इसे गीला नहीं सानना है, इसे थोड़ी कड़ा ही सानना है, और सान के एक डो रेडी कर लेना है। तो गाइस ठेकुआ किसको किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग कैसे बनाते हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले भी ठेकुआ का रेसिपी डाल चुकी हूँ, तो देख सकते हैं इसे इस तरह का डो रेडी कर लेना है, और मेरा यहाँ पे डो रेडी हो गया है। तो इसे गोल गोल लड्डू बना लेते हैं, उसके बाद इसे कैसे बनाते हैं आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए इसमें पहले मैं साचा से बना रही हूँ, आप लोग ऐसे भी चलनी हो या कुछ भी पे बनाए, तो यहाँ पे पहले इसमें घी लगा लेना है, उसके बाद इस तरह से रख के इसे एक अच्छे से सेफ दे देना है। तो देख सकते हैं गाइस इस तरह से, तो ये मेरी ठेकुआ इस तरह से है। तो मैं सब का इसी तरह से कर लूँगी, और यहाँ पे आ गई हूँ गैस की ओर, तेल गरम हो गई है रिफाइन, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं तेल डाली हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े तलूँगी, टूटे नहीं। तो आज का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, क्योंकि ये जल जाएगी, तो इसे हाई नहीं करें, और इसे धीरे धीरे पलटते जाएं। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है, और बहुत ही लाजवाब ठेकुआ बनती है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो इसे पलट के ब्राउन होने तक के सेक लेना है, फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये मेरा ठेकुआ की रेसिपी रेडी है, तो कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।